हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जा रहे हैं डी मार्ट और वहाँ पर जाके कुछ सामान वान लेंगे। घर का सामान वान ख़त्म हो गया है तो देखते हैं क्या है। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नए ब्लॉग को। और ये ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई थी घर पे, तो ब्लॉग वगैरह बनाना बंद कर दिया था मैंने। लेकिन अब दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन आ गए हैं डी मार्ट में। देखो ये बाजू में दिख रहा होगा डी मार्ट। पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है भाई यहाँ पर, पार्किंग की। तो यहाँ भीड़ देख रहे हो डी मार्ट में, क्या कर सकते हैं भाई, बहुत भीड़ है डी मार्ट में। कहाँ पार्किंग लगाए, पार्किंग पार्किंग पार्किंग। ये रहा बाजू में डी मार्ट। खड़ी कर दिया मैंने, लॉक कर दिया। मौसम देखो यार यहाँ का भाई साहब, बारिश आने वाली है एकदम टकाटक, मस्त बारिश में मौसम हो रखा है। ये गेट टू नोएडा भाई मस्त खुले खुले लाते हैं। तो भाई हम एंटर कर चुके हैं रिया हाट के अंदर, और चलो और चलते हैं। भीड़ देख लो, भीड़ भीड़ ही भीड़ है यहाँ पर। पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, हमने तो दूर गाड़ी पार्क कर दी है। चलते हैं अंदर की तरफ, बारिश आने लग गए लेकिन फोटो नहीं कर रहा भाई। गाइस तो डी मार्ट से अंदर आ गए भाई, बाहर आ गए डी मार्ट में। भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर दिया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो वीडियो सामान वामान ले लिया हमने। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, सामान वामान ले लिया। बहुत भीड़ थी भाई यहाँ पर, बहुत भीड़ रहती है हर सैटरडे संडे, कभी भी आ जाओ बतेरी भीड़ रहती है, बतेरी क्या था। चलो तो फिर घर की तरफ चलते हैं, घर की तरफ। सामान वान मच्छर आ गए यार गाड़ी में भैंस के यहाँ। चलो चलते हैं घर की तरफ, और आप लोग टाइम लैप्स का इंजॉय करें तब तक। देख रहे हो गाइस, क्या अभी अपन गए थे तो पूरा रास्ता सूखा था, और आया था पूरी बारिश बारिश हो गई। मैंने बताया ही था कि बारिश होने वाली है, एकदम मस्त मौसम बन रहा है और बारिश हो गई। बारिश ही बारिश है। और यार
क्या होता है, काफ़ी दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ अच्छा करने का सोचा है मैंने अपनी लाइफ में, तो सोचा है कि अपनी लाइफ शुरू करूँ मैं ब्लॉगिंग से। जॉब चल रही है, जॉब में यार क्या पता है, बस ऐसे ही है जॉब। तो मेहनत करो, बस मेहनत ही करते जाओ, और कुछ नहीं रखा जॉब में। और बताइए, और कुछ मेरी लाइफ में इंटरेस्टिंग होता रहेगा तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस